स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास एट का, ठीक है, आज के इस वीडियो में क्लास एट का विज्ञान यानी कि साइंस का और दोस्तों आप सभी का इंग्लिश का, ठीक है, दोनों का दोस्तों आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है 25 नवंबर का, ठीक है, उसका दोस्तों हम लोग जो है आंसर की को देखने वाले हैं। और अभी तक दोस्तों आप वीकली टेस्ट नहीं दिए तो 1 से 1.5 घंटा में आपका वीकली टेस्ट होगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइए ताकि आपका दोस्तों 40 में 40 नंबर आपका पक्का हो जाए, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज के इस वीडियो में क्लास एट का साइंस और इंग्लिश का दोस्तों हम लोग आंसर की को देखेंगे। जो वीकली टेस्ट देने के बाद देख रहा है तो दोस्तों वीडियो को आंसर की के रूप में देखिएगा, और वीकली टेस्ट देने से पहले देख रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर के रूप में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्लास एट का साइंस और इंग्लिश का जो है हम लोग क्या करने वाले हैं तो आंसर की को देखने वाले हैं, कि ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए साइंस में जो आपका दोस्तों सबसे पहले सेक्शन ए रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा यानी कि एमसीक्यू प्रश्न रहेगा, ठीक है। टोटल आपका 20 नंबर का सबसे पहले रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को, ठीक है। पहला नंबर दोस्तों कहता है मौसम के अनुसार फसलें के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो मौसम के अनुसार फसलें के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितना? 3। ये साइंस का आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंग्लिश का भी देखेंगे, तो 3 प्रकार लिख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों दो नंबर पूछा है कौन सा फसल रबी फसल में नहीं आता है। तो कौन सा फसल रबी फसल में नहीं आता है? गेहूं, मटर, चना, तीनों दोस्तों रबी फसल में आता है लेकिन धान नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, धान इसका हो जाएगा राइट आंसर। धान को चावल भी कहते हैं, ठीक है। 3 नंबर कहता है जायद फसल किस ऋतु में लगाया जाता है। तो जायद फसल दोस्तों आपका जो गर्मी के सीजन में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर पूछा है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? देखिए चावल, गेहूं, बाजरा, तीनों कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है लेकिन मटर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मटर इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों पूछा है अनाज के दोनों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अनाज को दोस्तों भूसा से अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग ओसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसाई। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों पूछा है स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी मतलब खुद पोषना, ठीक है। गाय नहीं होगा, बकरी भी नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा, ठीक है। ये सब परपोषी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आम का पौधा स्वपोषी है, ठीक है। चलिए तो 6 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर दोस्तों बोला है कौन सा तरीका सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है। तो सिंचाई का दोस्तों पारंपरिक तरीका कौन नहीं है? मोट और रहत और डिकली, ये तीनों है लेकिन ड्रिप नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ड्रिप। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोला है झारखंड में सरहुल पर्व में किस पेड़ की पूजा की जाती है। तो सरहुल पेड़ में दोस्तों बरगद की पूजा नहीं की जाती, ना ही पीपल का, ना ही अमरूद का, ठीक है। साल वृक्ष यानी कि साल पेड़ का पूजा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है, ठीक है, 9 नंबर क्या कहता है कि ताजे कटाई वाले फसल के अनाज में कितना परसेंट तक नमी होता है। तो जो ताजा फल कटता है, ठीक है, उसमें दोस्तों 16 से 18% नमी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 से 18%। 10 नंबर दोस्तों जो कि आपका साइंस का एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न कहता है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो जंतुओं के द्वारा जो आपका प्राप्त खाद्य पदार्थ यहाँ पर शहद हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों आपका सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव को हम लोग बाद में आंसर की को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग साइंस का देख लिया एमसीक्यू, उसके बाद चलिए हम लोग इंग्लिश का एमसीक्यू को मिला लेते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है क्लास एट का इंग्लिश का फटाफट से आंसर की को हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे, ठीक है, जो कि 20 नंबर का है। तो दोस्तों पहला प्रश्न कहता है सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस गेम। तो सानिया मिर्जा दोस्तों कौन सा गेम से, कौन सा खेल से संबंध थी? तो ये टेनिस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेनिस इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 2 नंबर कहता है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 2016 समर ओलंपिक इन आर्थिक, ठीक है, गैमेटिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PV सिंधु, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर बोला है हु ट्रेंड पोगेट सिस्टर। तो पोगेट सिस्टर को कौन ट्रेंड किया था? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा महावीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर महावीर। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोला है
दीपा मलिक इज ए इंडियन, ठीक है, आर थेलिस फ्रॉम, तो वो कहाँ के रहने वाली थे, तो हरियाणा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरियाणा। चलिए पांच नंबर दोस्तों बोला पीवी सिंधु इज ए फ्रॉम, पीवी सिंधु कहाँ से था, तो वो दोस्तों आंध्र प्रदेश से था, ठीक है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए छह नंबर दोस्तों बोला है सुमारी टेटी, ठीक है, प्लेस टू विच गेम, तो कौन से गेम था, तो हॉकी हो जाएगा इसका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर हॉकी राइट आंसर, ठीक है। चलिए सात नंबर दोस्तों पूछा है हाउ मेनी इंटरनेशनल मेडल हैज दीपा वन अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके किताब के अनुसार कितना मेडल दीपा जो जीता था, ठीक है, तो 23 को जीता था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 13 है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिएगा क्योंकि इसका जगह 23 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आठ नंबर दोस्तों बोलता है इन विच ईयर डिड साक्षी मलिक रिसीव राजीव ख्याल रत्न अवार्ड, ठीक है, कब उसको रिसीव किया गया था, जब जो है रत्न अवार्ड उसको दिया गया था, ठीक है, तो ये दोस्तों 2016 में, यानी कि 2016 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नौ नंबर आपसे पूछा है मैरी कॉम बिलोंग टू विच ट्रिप, तो मैरी कॉम कौन से ट्रिप से बिलोंग करती थी, तो कॉम कुकी, ठीक है, कॉम कुकी पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों दस नंबर का था व्हेन डिड सानिया मिर्जा विंग प्लेइंग टेनिस, तो सानिया मिर्जा कब से टेनिस खेलने लगी, तो जब 6 साल की थी तब से, ठीक है, तो एट द एज ऑफ 6 ईयर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी दोस्तों सारा का सारा सब्जेक्टिव है, तो चलिए हम लोग विज्ञान और आपका इंग्लिश का सब्जेक्टिव भी अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।